गुड इवनिंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक था ट्वेल्थ साइंस हिंदी मीडियम का, वो था अपना निकोल प्रिज्म। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि निकोल प्रिज्म है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर भी कोई टॉपिक यदि बचेगा तो ऑफलाइन क्लासेज में या जैसे तैसे करके वीडियो लेक्चर वगैरह देखेंगे एक बार कि कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह तो नहीं गया, वो गलती किसी से भी हो सकती है। बाकी ऑलमोस्ट टॉपिक पूरी हो चुकी है, लास्ट टॉपिक है ये। 2018 में ये आया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। निकोल प्रिज्म जो है वो एक तरीके से आप उसको प्रिज्म मान सकते हो। जैसे प्रिज्म चैप्टर नंबर 11th में आपने पढ़ा था, ठीक है, 11 के चैप्टर में। हाँ, तो निकोल प्रिज्म है, उसका आविष्कार सन 1828 ईस्वी में और वैज्ञानिक निकोल द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था निकोल प्रिज्म। पहली बात। दूसरी बात कि यह एक प्रकाशिक युक्ति होती है जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के काम आती है और द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। इसका जो सिद्धांत है वो द्वि अपवर्तन का सिद्धांत है। ठीक है, क्रिस्टल इसमें कौन सा काम मिलेंगे? निकोल प्रिज्म जो है वो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब अपने पास एक ऐसा क्रिस्टल होना चाहिए जो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर सके, जो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर सके। ठीक है, तो उसके लिए जो क्रिस्टल काम में लेंगे वो क्रिस्टल होगा अपना केलसाइट क्रिस्टल। ठीक है, और केलसाइट क्रिस्टल के साथ साथ एक कनाडा बालसम नाम की पारदर्शी सीमेंट आती है। ठीक है, वो सीमेंट भी काम में लेंगे। ये सीमेंट है, ये क्रिस्टल को जोड़ने के काम आएगी, ये सीमेंट क्रिस्टल को जोड़ने के काम आएगी। तो केलसाइट जो क्रिस्टल है इसमें इंपॉर्टेंट जो रोल है वो केलसाइट क्रिस्टल ही प्ले करता है। ठीक है, मतलब केलसाइट क्रिस्टल जो है उसके कारण ही इसमें द्वि अपवर्तन की क्रिया घटित होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है निकोल प्रिज्म में, ऐसा क्या होता है कि अपने को इससे समतल ध्रुवित प्रकाश मिल सके? निकोल प्रिज्म की जो प्रक्रिया है वो देखो कि इसमें द्वि अपवर्तन क्रिया द्वारा साधारण प्रकाश किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर साधारण प्रकाश किरण जो है, ठीक है, उसको बोलेंगे ओ रे। ठीक है, या ओ किरण, साधारण प्रकाश किरण को क्या बोलोगे आप? ओ रे, ओ रे बोलते ना, ओ रे। वो ओ रे नहीं है, ओ किरण, रे मतलब किरण। ठीक है, और असाधारण जो है उसको आप बोलोगे ई किरण, ई किरण या ई रे। ठीक है, हाँ, समझ आई बात। तो द्वि अपवर्तन क्रिया द्वारा जब आप किसी केलसाइट क्रिस्टल के ऊपर कोई साधारण प्रकाश किरण आपतित करते हो, ठीक है, तो केलसाइट क्रिस्टल उसको दो अपवर्तित किरणों में विभाजित कर देता है। एक को तो केलसाइट क्रिस्टल द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर अलग कर लिया जाता है और दूसरी को वो अवशोषित कर लेता है। जिसको वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा अलग करेंगे, ठीक है, जिस प्रकाश किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो क्रिया है उसके अकॉर्डिंगली अलग करेंगे, वो प्रकाश किरण होगी असाधारण प्रकाश किरण। ठीक है, असाधारण प्रकाश किरण, ठीक है, ई रे, उसको क्या बोलोगे आप? असाधारण प्रकाश किरण या ई रे। ठीक है, आई बात समझ में? इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट लेना चाहो तो। तो बेसिकली क्या समझा आपने, केलसाइट क्रिस्टल के ऊपर आपने क्या किया, प्रकाश किरण आपतित करवाई, साधारण प्रकाश किरण, अध्रुवित प्रकाश। सिंपल जो लाइट होती है वो अध्रुवित प्रकाश ही होता है, ठीक है ना, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं उसको। और पोलराइज्ड लाइट है वो होगी साधारण असाधारण प्रकाश या आपकी ई रे या ई किरण। तो द्वि अपवर्तन क्रिया द्वारा जब आप उस असाधारण प्रकाश को और अलग करते हो तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म क्या हो गया, यह एक प्रकाशिक युक्ति है जो समतल ध्रुवित प्रकाश करने के उपयोग में आती है। ठीक है, यह निकोल प्रिज्म जो अपना है उसका कार्य है कि इसके द्वारा आप समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हो। अब इसकी बनावट, मैन जो है वो इसकी बनावट है,
इसकी बनावट या रचना, ठीक है, इसकी बनावट या रचना, ठीक है। पहली बात आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा, कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा आपको चाहिए। दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा निकोल प्रिज्म। दूसरी चीज, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो। कहने का मतलब कि आपको एक कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा चाहिए जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इस क्रिस्टल को, अब इस क्रिस्टल को क्या करते हो, आप घसते हो, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल है इसको आप घसते हो, कितना कितना घसोगे कि इसके जो कोण है वो 68 डिग्री से 71 डिग्री, काट कोण, काट कोण मतलब इसके जो जो कोने हैं, ठीक है, कोने के जो कोण है वो 68 से 71 डिग्री और 109 डिग्री से 112 डिग्री हो जाएगी। कई की बुक में ये कोण अलग अलग मिलेंगे आपको, अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है, कई बुक में ये कोण है ये अलग अलग आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो, और अब इसकी, अब इसको आप क्या करोगे, इतना घसोगे कि इसके जो कोण है वो 68 से 71 डिग्री और 109 से 112 डिग्री, मतलब एक साइड का जो कोण है वो 68 से 171 हो जाए और ये 109 से 112 हो जाए, ठीक है। देख लो इसको एक बार, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है इसको, इसको विकिरणतः काटते हैं, ठीक है, क्रिस्टल को विकिरणतः काटते हैं, इसके विकिरण के अकॉर्डिंग आप इसको काटोगे, और काट के कनाडा बालसम जो सीमेंट थी, कनाडा बालसम जो सीमेंट थी उससे आपको इसको चिप करना है, उसे क्या करना है आपको, चिप करना है। तो बेसिकली 4 काम किया है अपन ने, पहला काम कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया, दूसरा काम कैल्साइट क्रिस्टल का जो टुकड़ा है उसको, उसको उसकी साइज क्या होनी चाहिए कि जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी हो, छोटी मोटी साइज चल सकती है लेकिन कंडीशन क्या है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसको इतना घसो, इतना रगड़ो, इतना घर्षित करो कि उसके जो काट कोण है वो 68 से 71 डिग्री और 109 से 112 डिग्री एकदम से फिट हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद उसको विकिरणतः काटो, उसको बीच में से काटो, ठीक है। बीच में से काटने के बाद उसको एक पारदर्शी सीमेंट या कनाडा बालसम जो सीमेंट है वो एक पारदर्शी सीमेंट होती है उससे उसको चिपकाओ, ठीक है। चिपकाने के बाद में, उसके पृष्ठ जो है, ठीक है, पृष्ठों को काला करो, ठीक है, या उसके जो पृष्ठ है उनको क्या करो, आप ब्लैक कर दो, पूरे पृष्ठों को आप क्या करो, ब्लैक कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद आपका निकोल प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ये निकोल प्रिज्म बनाने की विधि है, इतने में आपका निकोल प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। काला क्यों करते हैं, पृष्ठों को काला इसलिए करते हैं ताकि प्रकाश को अवशोषित किया जा सके, जो प्रकाश किरण काम की नहीं है उसको अवशोषित किया जा सके या उसको, उसका जो पथ है उसको मोड़ा जा सके, इसलिए इसके पृष्ठों को काला करते हैं, ठीक है। इसकी जो बनावट है वो ये होती है, डायग्राम देख लो निकोल प्रिज्म का सभी, ठीक है। इसमें देखो बीच में से काट दिया विकिरण के अकॉर्डिंग, काटने के बाद में कनाडा बालसम सीमेंट से चिपका दिया, ABCD एक निकोल प्रिज्म है, ठीक है। बनावट मैंने आपको उसकी समझा दी थी, ठीक है। अब इसका जो कोण है वो 71 से 68 डिग्री, कई बुक में लिखा होता है 68 से 71,
वो भी सही है, गलत नहीं है। किसी बुक में 68 से 71 मिसप्रिंट होगा या सही होगा, ठीक है। कई बुक में 71 से 68 है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 71 से 68 डिग्री और 109 से 112 डिग्री आपने कर दिया, इसके जो कोने हैं उनका जो कोण है वो, ठीक है। ये एक साधारण प्रकाश किरण है जो निकोल प्रिज्म के पृष्ठ एबी के ऊपर आपतित हुई। आपतित होने के बाद में दो किरणों में विभक्त हो गई, एक तो साधारण और एक असाधारण, ठीक है। हाँ, तो ई किरण जो है वो तो होती है अपनी जो ऐसा जो सिंपल जो लाइट है, मतलब अद्रवित जो प्रकाश है वो, ठीक है। और अपनी जो ओ किरण है वो होती है आपकी द्रवित प्रकाश, ठीक है। अब देखो इसकी कार्यविधि, वर्किंग प्रोसीजर कि ये काम कैसे करता है, इससे द्रवित प्रकाश किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में इसकी कार्यविधि समझेंगे, ठीक है। पूरा जो डेरिवेशन, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, पूरी जो थ्योरी है वो नोट्स में आपको मिलेगी, ठीक है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। सबसे पहले साधारण प्रकाश किरण को आपने कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर आपतित करवाया, साधारण प्रकाश किरण को आपतित करवाने के बाद जब ये निकोल प्रिज्म या कैल्साइट क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म या कैल्साइट क्रिस्टल एक ही बात है दोनों की, निकोल प्रिज्म मान लो एबीसीडी क्योंकि ये कैल्साइट क्रिस्टल की ही बनती है, ठीक है। तो कैल्साइट क्रिस्टल पर या निकोल प्रिज्म के पृष्ठ एबी पर जब आप यह प्रकाश किरण आपतित करवाओगे तो इससे निकलने के बाद यह दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण जो विधि है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो हो जाएगी उनमें से ई किरण, दूसरी हो जाएगी ओ किरण। ओ किरण को बोलते हैं असाधारण किरण और ई किरण को बोलते हैं साधारण किरण या अपनी अद्रवित प्रकाश किरण, ठीक है। अब ये बीच में जो कनाडा बालसम की जो सीमेंट की जो आपने परत लगाई है बीच में, या इसके इसको बीच में से काटकर कनाडा बालसम सीमेंट से आपने चिपकाया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो कनाडा बालसम है वो ई किरण को अलग कर देगी और ओ किरण को अपने अंदर से पार होने देगी, समझ आई बात। ई को तो अलग कर लेगी और ओ को अपने अंदर से पार होने देगी। नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ई किरण को ये अवशोषित कर लेती है, क्लियर, यहां तक अवशोषित कर लेती है या अलग कर देती है, ठीक है। एक ही बात है, अवशोषित बोल दो या अलग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अवशोषित जो वर्ड है वो यहां पे यूज कम लेते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरण है, इसको अलग कर लेते हैं। तो अलग करना या इसको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया क्लियर यहां तक। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपकी जो ओ किरण है, ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक है वो 1.65 होता है। ओ किरण के लिए, इस किरण के लिए इसका अपवर्तनांक 1.65 होता है और कनाडा बालसम का अपवर्तनांक होता है 1.55, ठीक है। तो ओ किरण के लिए जो 1.65 है ये क्या है, अधिक है, ठीक है। ओ किरण के लिए 1.65 क्या हो गया आपका, अधिक हो गया, ठीक है। और ई किरण, सॉरी 1.65 क्या हो गया, अधिक हो गया, किससे, कनाडा बालसम के अपवर्तनांक से। तो ये इस समय संघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, सीधी सी बात है। तो ओ किरण संघन से वेल माध्यम में जाएगी, ठीक है। तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और आप इसको अलग कर लोगे, समझ बात, कि ओ किरण के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसका अपवर्तनांक 1.65 होता है, जो कनाडा बालसम के अपवर्तनांक 1.55 से अधिक होता है। तो इस सिचुएशन में प्रकाश किरण संघन से वेल माध्यम में प्रवेश करने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इसको आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया द्वारा अलग कर लेते हो, अर्थात निकोल प्रिज्म से बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। और ई किरण जो होती है, ई किरण का अपवर्तनांक कैल्साइट क्रिस्टल का, कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक ई किरण के लिए 1.46 होता है। यह अपवर्तनांक आपका कैल्साइट क्रिस्टल का है, ई किरण के लिए 1.46 होता है, जो कनाडा बालसम के अपवर्तनांक 1.55 से कम होता है, जो कनाडा बालसम के अपवर्तनांक 1.55 से कम होता है। इसलिए यह किरण इसमें से पार नहीं होती, कनाडा बालसम द्वारा अलग हो जाती है और यह इससे बाहर निकल जाती है। जो किरण बाहर निकलेगी उस किरण को आप बोलोगे असाधारण किरण या अपनी द्रवित प्रकाश किरण। तो निकोल प्रिज्म के थ्रू इस विधि द्वारा आप समतल द्रवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, बाकी विधि लिखाई हुई मेरी, वो विधि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है,
इसमें जो पूछेंगे एग्जाम में वो बनावटकारी विधि वगैरह पूछेंगे, निकोल प्रिज्म के बारे में और भी कई बातें हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी जो चैप्टर है अपना वो कंप्लीट हो चुका है, अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं वो इस चैप्टर की बाकी रहेंगी, ठीक है, वो आपको वीडियो टू वीडियो करवाते रहेंगे। लेकिन जो अब आप ये मानो कि अगर आज आपकी बोर्ड की एग्जाम लगे, कल से यदि राजस्थान बोर्ड एग्जाम डिसाइड कर दे, तो 12 के चैप्टर में जितना करवाया है उसमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है जो करवा दिया उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब वो क्वेश्चन करेंगे, वो टॉपिक करेंगे जो घुमा घुमा के आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो टॉपिक करेंगे। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू।